स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में हम CUET 2022 के प्रिपरेशन के लिए क्लास 12th के मैथ का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? आव्यूह, अंग्रेजी में मेट्राइसिस। ठीक है, क्या नाम है? मेट्राइसिस। तो इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो मैथ का क्वेश्चन है, BSc, BCom और मतलब BSc एग्रीकल्चर में, जहाँ भी जैसी डिमांड होगी, अगर मैथ आप ले मतलब कि सब्जेक्ट भर दिए होंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़कर जानी है। हमारा चैनल आपको ऐसे पढ़ाएगा कि एक एक बात आप क्लियर कर लेंगे। यदि आपका मैथ वीक भी है तो आप काफ़ी स्ट्रांग बन जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाऊँगा स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। देखिए, आपको नोट्स भी मिलेगा हमारे चैनल पर। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप सभी को जाना होगा टेलीग्राम स्कोप 360 चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर जो मैं यहाँ वीडियो में बताऊंगा वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जिस दिन वीडियो मिलेगी उसी दिन आपको टेलीग्राम पर इसका नोट्स भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आव्यूह की डेफिनेशन समझते हैं। आप कहोगे सर डायरेक्ट सवाल ही बताइए, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, जब डेफिनेशन समझोगे तो एनसीईआरटी का निचोड़ मिल जाएगा और आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन, कोशिश ये की गई है कि हिंदी और अंग्रेजी वाले बच्चे जो भी हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैंने अंग्रेजी भी लिखी है। डेफिनेशन क्या है? यमयन संख्याओं, मतलब नंबर, यमयन संख्याओं, और वो संख्याएं कैसी हो सकती हैं? वास्तविक अथवा काल्पनिक। वास्तविक मतलब कि वो संख्याएं रियल नंबर हो सकती हैं या फिर इमेजनरी नंबर हो सकती हैं। तो यमयन रियल या इमेजनरी नंबर को यम पंक्तियों, पंक्ति मतलब रो, और यन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी मतलब रेक्टेंगुलर एरी प्राप्त होती है, उसी को हम यन गुणित यन आव्यूह मतलब यम बाई यन मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिया है, तो यमयन संख्या का मतलब क्या हुआ कि इसमें यम पंक्ति होंगी। देखिए, पंक्ति क्या है? एक दो। ठीक है, तो ये संख्याओं की यम पंक्ति होगी, दो पंक्ति हो गई, और यन का मतलब एक दो तीन, तीन मतलब यहाँ पर मतलब इसका कालम हो गया, तो दो रो और तीन कालम हो गए। तो इनकी संख्याओं से अब यहाँ पर जो संख्याएं रखी जाएंगी वो आपकी रियल हो सकती हैं, इमेजिनरी हो सकती हैं। तो हम यहाँ व्यवस्थित करेंगे तो एक देखिए रेक्टेंगुलर मतलब आयत जैसी आकृति बन रही है। तो ये जो आपकी सारणी, ये जो आपकी एरी मिल रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्राइसिस मतलब, या फिर आव्यूह कह दीजिए इंग्लिश में, मैट्रिक्स कह दीजिए। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? यम गुणित यन आव्यूह या यम बाई यन मैट्रिक्स। आई होप कि आप सभी को समझ में आया। ठीक, अब मैं यहाँ पर आपको आव्यूह के अवयव की बात समझाऊंगा। अवयव, आव्यूह के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कोई आव्यूह मतलब कोई मैट्रिक्स जिन संख्याओं से, जिन नंबर से निर्मित होता है, जिन नंबर से बनता है, जिन संख्याओं से बनता है, उन संख्याओं को ही आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियाँ। अवयव मतलब एलिमेंट्स, प्रविष्टियाँ मतलब एलिमेंट्स। तो जिन संख्याओं से आव्यूह का मतलब निर्माण होगा, वो बनेगा आव्यूह, वो मैट्रिक्स बनेगा, उन्हीं संख्याओं को हम उसका एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे ये आपका एक मतलब कि मैट्रिक्स है, तो यहाँ ए ई तीन और माइनस पाँच जो है, ए ई थ्री और माइनस फाइव जो हैं, ये इस आव्यूह के, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है एलिमेंट्स क्या है, ए ई थ्री एंड माइनस फाइव। यहाँ माइनस मैंने नहीं लगाया, मैं माइनस लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। आई होप कि आपने ये भी समझा। नेक्स्ट हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनेगा आपका। क्या है? आव्यूह का क्रम अथवा कोटि, अंग्रेजी में आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा। यदि किसी आव्यूह में मतलब किसी मैट्रिक्स में यम पंक्तियां, यम रोज जो इस तरफ से ऐसे ऐसे गिने जाएंगे, ठीक है, तथा यन स्तंभ जो ऊपर से नीचे गिने जाते हैं, ठीक है। तो मतलब किसी मैट्रिक्स में यम रोज और यन मतलब कि कालम हो, तो उसे हम हिंदी में यम गुणित यन क्रम का अथवा यम गुणित यन कोटि का आव्यूह, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर यम बाई यन कहेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर यम बाई यन। जैसे ये आपका एक मैट्रिक्स है, तो देखिए इसमें कितना, इसका मतलब ऑर्डर निकालना होगा। तो देखिए इसमें कितने पंक्तियां मतलब कितने रोज हैं, तो एक दो तीन, तो तीन हो गया। पहले आपको यही लिखना है।
और कितने मतलब इसमें आपके स्तंभ मतलब कॉलम है, 1 2, तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा 3 × 2 होगा। आई होप कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। इसका नोट्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। अब बात करेंगे आव्यूह का निरूपण, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर। तो देखिए, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो अक्षर यूज करेंगे, जो लेटर लेंगे, वो कैपिटल लेटर होंगे, ABC इस तरह के कैपिटल लेटर होंगे। और उसके जो एलिमेंट्स होंगे, जो अभी हमने एलिमेंट्स समझाया, वो स्मॉल लेटर से होंगे, या फिर ऐसे एलिमेंट्स को हम डिनोट कर सकते हैं, A11, A12, A12, यहाँ पर A13, इस तरह से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। सवाल उठता है, क्योंकि सवाल उठना लाजमी है, A11 क्या है? तो ये वन जो है रो और ये वन जो है कॉलम, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर इस तरह से बताएं तो इसमें जो है रो मतलब पहला रो में भी ये जो टू है किस में आ रहा है? पहले रो में आ रहा है, और ये वन है तो कॉलम में भी कौन सा आ रहा है? पहले कॉलम में आ रहा है। तो A11 का मतलब यहाँ पर केवल और केवल 2 होगा। अगर यहाँ पर 8 के बारे में जानोगे तो 8 कौन से में आ रहा है, कौन से रो में आ रहा है? 1 2, दूसरे में आ रहा है। और कौन से मतलब कि यहाँ पर कॉलम में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है। तो इसको हम अगर डिनोट करेंगे मतलब इस एलिमेंट को, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे A22 लिखेंगे। आई होप कि आप ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो आपका मैट्रिक्स है उसको हमने यहाँ कैपिटल लेटर से इस पूरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया। उसके जो एलिमेंट हैं, अब चूंकि नंबर था, केवल संख्या था, तो संख्या था तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, और या फिर मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मैं बार बार बोलता हूँ, A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यहाँ 4 5 ABCD, √2 √3, sin θ cos θ, और कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, A21 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, A23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जर्नल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ। यह कभी कभी क्या होता है कि इतनी बड़ी चीज़ को हम जर्नल रूप में लिखना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से लिख दीजिए, AIJ M×N, मतलब अगर M×N मतलब का अर्थ होता है अगर वो उसका क्रम आया 3×2, मतलब 3 × 2 आया। तो यहाँ पर जो है इसको हम कैसे विस्तारित करेंगे, या फिर 3 × 2 आया तो इसमें आपका जो, या फिर 2 × 3 ले लो, 2 × 3 ले लो, तो 2 इसमें क्या होने चाहिए? इसको जब हम बड़े फॉर्म में, जर्नल फॉर्म में, छोटा फॉर्म में, बड़े फॉर्म में लिखना चाहेंगे 2 × 3, तो यहाँ पर देखिए उसमें कितने मतलब कि आपके रो होने चाहिए 2, और कॉलम कितने होने चाहिए 3, तो यही बनेगा। मतलब यहाँ पर 1 और 1 रखोगे तो 2 × 3 मतलब कि मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आएगा। यहाँ 1 और 2 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा, यहाँ 1 रहने दोगे, यहाँ पर 2 लिख दोगे, तीसरा एलिमेंट आएगा, ठीक है। और अगर आपको सेकंड मतलब कि रो में जाना है तो यहाँ 2 रख देना, फिर यहाँ पर सेकंड रो के लिए 2 ही रहेगा, यहाँ पर बदल बदल कर इस तरह से प्राप्त कर सकते हो, ठीक। अब बात करेंगे आव्यूहों के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। तो कुल यहाँ पर आपके सामने मेरे ख्याल से कितने हैं, 13 मतलब हैं, 13 मतलब मैट्राइसिस हैं, मैट्राइसिस के 13 टाइप्स हैं। पहले को हिंदी में क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजेंटल मैट्राइसिस, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्राइसिस या मैट्रिक्स बोल सकते हो, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, मुख्य विकर्ण तुम प्रिंसिपल या फिर ऑफ मैंने लिख दिया, और लीडिंग आर मैन डायगोनल, कुछ भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश, रो मैट्रिक्स या फिर मतलब रो वेक्टर भी बोलोगे, स्तंभ आव्यूह या अथवा स्तंभ सदिश, कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर भी बोलोगे, शून्य आव्यूह मतलब जीरो मैट्रिक्स बोलोगे। तो इतना इधर है, इसके अलावा यहाँ पर और भी है, ठीक है, इनकी भी बात करेंगे। इसके अलावा आपका 8 नंबर जो है आपका आयताकार आव्यूह, जिसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगला इकाई अथवा तस्मक आव्यूह, जिसे यूनिट अथवा आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको मैट्राइसिस की डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स, मतलब बहुत कुछ समझाया।
नेक्स्ट वीडियो में इन टाइप्स को जो डेफिनेशन याद रखना है वो बहुत ही इजी टर्म बताएंगे और इसके कुछ रूल्स बताएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी लगवाने की कोशिश करेंगे। पहला वीडियो था, मैंने छोटा बनाया, अगली वीडियो थोड़ी और बड़ी रहेगी। आप हमारे चैनल से फुल आप कोर्स तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।